नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज न्यूज पर। कपल्स आजकल जब अलग होते हैं तो उनके बीच इतनी कड़वाहट आ जाती है कि वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ऋतिक और सुजैन ने अपने रिश्ते से दिखा दिया कि किस प्रकार बिना सीन क्रिएट किए हुए अलग होकर के भी दोस्ती का रिश्ता कायम रखा जा सकता है। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन अपनी स्वीटहार्ट सुजैन खान से शादी करके बहुत ही खुश थे, जिस समय कुछ न कुछ हुआ जिसके चलते इन दोनों के बीच में दरार आई और ये दोनों डिवोर्स का फैसला कर बैठे। लेकिन अभी भी जो है, जो रिश्ता इन लोगों के बीच में है, उससे मेरे ख्याल से सीख लेनी चाहिए। इन लोगों ने शुरू में ही डिवोर्स करते समय कहा था कि इन लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर रहेगा कि इनके बच्चे बहुत ही बैलेंस्ड और अच्छे तरीके से बड़े हों। और मुझे लग रहा था उस समय कि ये बात कोरी कल्पना होगी, बिकॉज इस तरह की चीज़ें देखी नहीं गई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब इन लोगों के रिलेशनशिप को देख करके ये बात लगता है कि उस समय जिन दोनों ने बात की थी वो बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, बहुत ही सोच समझ के की थी, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आज तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बने हुए हैं बतौर दोस्त, बतौर को पेरेंट्स। और इस बात में भी हमेशा उठ जाती है ये बात कि भाई ऐसा क्या है, जब इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। ये एक बहुत फेमस गाने की लाइन थी और ये इन लोगों पे फिट बैठती है कि भाई अगर इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है, फासले मिटने चाहिए। वैसे ये दोनों भी एक साथ रह रहे हैं, हो सकता है कि आगे भी एक साथ रहने का निर्णय कर ही बैठे, क्योंकि कई बार एक बुझी हुई आग को भड़काने के लिए एक चिंगारी काफ़ी होती है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर कुछ नहीं भी तो आप कम से कम इस रिश्ते से एक चीज़ से समझने की कोशिश करें कि अगर सम्मान हो एक दूसरे के प्रति मन में तो जीवन बहुत आसान हो जाता है, बहुत सारे डिसीजन आसानी से लिए जा सकते हैं। और यही है इस कहानी की सीख, अगर मैं कह सकूँ। अब भी अगर एक चीज़ और सीख लें आप, तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को तो बड़ा अच्छा लगेगा। और हम लौटेंगे तुरंत एक नए वीडियो के साथ, आप बने रहें हमारे साथ।